हमने आ देखू संगत रफीका आजादी न्यूज वेब चैनल साची आजादी साची द्रुत द्रोहबाद मन संगत रफी को मरागशे साची शरफमन्ना लाहते रोचे के शुमगिंदगा है चागिर्दी रसांक दर उल्लास रसांक दरा ग्वादरा पल्ल पसिल कने के सरा मजने जरशानी बोगाए बलूच महलू के नेमगा ये बाबता मुख्तलिफें राह मुख्तलिफें लेका दिमा आगा हाँ महलू के दानश्वरानी वो सहाफियानी हम बाजें कालमे हम ये बाबता ने बिश्ता कनक बुता मर्ची की मावती बुनगप साचिंक मरागिशे हमें इरकुता के छे सवा बें के ग्वादरा पल्ल पसीला कनक बोगा ग्वादरे बाबता चदो पेश हम हमें खदशा बलूच महलू के बूतेगा कि आइया चवती हल को ईद के दमगा गिस्ताव जिथाएँ एक दमगी डिक्लेयर कनक भी हमें सिलसिला हम आगा पुत्रान कने गाएं बीएनपी सेक्रेटरी जनरल वाजा जांजेब जमालदीनी साहब तई आला इशे सरकारी मूल मुराद ची आंके ग्वादरारा चप चागिर दा पल कने गो गए तमना कैसे मौका दा कि मैं दो चार गप ही बारा भी कनी अवरी तो गप पेशिंग की ग्वादर अर वक्त बलूचिस्तान है अर शार व खसूसन ग्वादर अमा की मेन सेंटर सीपे के जोड़ बूत मुख्तलिफ किसने खदशात आने में पेश कनक बूता वो बार बार किसने सरकार आई गुश्ता कि ग्वादर अम्मा सेफ सिटी ये जोड़ कनक उससे ग्वादर अम्मा ज्यादा महफूज है कनम पर खातर इधर शिपमेंट भी इधर ट्रांसशिपमेंट भी इधर एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन भी इधर मजा नहीं किसना इंडस्ट्रीज जोड़ बैंक तो साथ ही साथ बरेशी तो बला रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट जोड़ बैंक आई एयरपोर्ट के बाद मजा नहीं किसना मेरे ख्याल से कराची एयरपोर्ट अच्छे मस्तर भी हमें और एयरपोर्ट या अड्डा भी अम्मा शुरू हुआ गुश्ता का अम्मा तरक्की है मुखालिफ ना हर किस्म तरक्की तो कार है पिकअप लेकिन शशि पेश अम्मा एक चीज गुश्ता का कि भाई बुनियादी मसायला ग्वादर है तो अल पिकअप ग्वादर है मसायला ने अल कन के बाद ग्वादर है मखलूक आप जरूरत तैयार है गैस जरूरत तैयार है बिजली है जरूरत तैयार है तरह आइटम है बिजली ने 300 मेगावाट तक अधिक कार है मेरे ख्याल आप आज टाइम जरूर ये टेमा तो डिपेंडेंट है 70 मेगावाट बिजली ईरान पर तक कहते वो पूरा मकरान है इस ताला ने भी आम इलाका है पूरा ना का मखलूक ये टेमा ओ दा हम ईरान बिजली है किसना कतन ओ दा लोड शेडिंग ने पाकिस्तान है कि हर वक्त बिजली पुत्री ओ दा लोड शेडिंग शुरू भी हमें किसना वापदा वो किसना कैसे कोई बुनियादी कमजोरियां हो जाए मंगशन की फेंसिंग है वो खासा सेफ सिटी स्मार्ट सेफ सिटी ये करें या सेफ सिटी ये करें भरोच सेफ सिटी करा जो इस्लामाबाद हम बोल कहते हैं कराची हम प्रपोजल हम संद में उड़ा कैसे डेवलपमेंट करना कहते हैं लाहौर हम बोल कहते हैं ठीक है शारा हम बोल कहते हैं उधर तो फेंसिंग की जरूरत नहीं उधर तो तने उधर रेड जोन आ रहा इस्लामाबाद ऐसा फेंसिंग ना पुट तक हमारे शहर किसने शादी का इस्लामाबाद आज टोटली सेग्रीगेट भी करना ये फेंसिंग पम्मा परचे ये मुझ बहाना बुनियादी तौर बहाना बुनियादी ऐसे पेशरा तो अंदाज को तक करें कि अर नाजिब साहब शुमा ये गप्पा गुशक लूटे के फेंसिंग के मकसद बलूचा गुम बलूचा रा डिवाइड करने की यस बिल्कुल अवली गप तो इशिंग के मना चा ईरान आ मिनी केजना एक ब्रास ये पाकिस्तान है तें दो में ईरान है तें नेम जमीन इदान नेम ओदान हमें मुताबिक ईरान और पाकिस्तान दरमियान अफगानिस्तान हो कजना पता पाकिस्तान है दौरान ये फेंसिंग वो कहता आई मिनी कौमारा बार कुर्ता मनी चरागा अफगानिस्तान है था मेरा गोश बिदा जी जी मेरा गोश बिदा मनी चरागा अफगानिस्तान है था और मन निष्ठक हूँ पाकिस्तान है था मनी कैसना पस बुस कैसा ओ द शुत न कन आवा ने खातिर कैसना इंटरेंस अमीन के कसान इंटरेंस की आई तो उश्तर शुत न कर उमय दा उश्तर या पस बुस ना ये शानी कैसना बुनियादी जरूरियात ख्वाई अमर चरागा अफगानिस्तान ओ दम शुत न करता मैं मर्दम शुत न करना वो साथ ही एक दिग्गज चीज तो हैरान है कि अम्मे दा बुनियादी तौर हमारा गैस के पंजाब दो अम्मे दा पैदा बूता आ गैस ये टीम तमाम पाकिस्तान है तो शेंग बूता लेकिन मिना न दाता कि नुमनी मखलूक पता दार ए टीम 21वीं सदी दार चिनन वो दार है मेन कैसना अगेन मकदार हम की मेन कैसना सेंटर अफगानिस्तान है मनी मर्दम दार है आर के खातर तकलीफ है तन फेंसिंग है नु आ फेंसिंग होती जागा नु ग्वादर है फेंसिंग कर के मतलब है कि ग्वादर है जिंदे हमें मालूम कर कैसना यक्यात कर दूर कनक ताकि आउती जमीन शुद्ध मकान आउती कैसा चरागान शुद्ध मकान आउती पस बुजान कैसा जागे चारेन मकान आउती गो कुश्तर जागे बुर्थ मकान तो ये बहाने असल ग्वादरारा फेडरल गवर्नमेंट खसूसन यही नीयत खराब है आउती कंट्रोल अजूरक लोटी
ये आरजी की बात मर्दमकशी की या कारजीएम प्रोग्राम में बिल्कुल गलत है। परमानेंटली सेफ सिटी या स्मार्ट सेफ सिटी या नाम है सरा मखलूक धोखा देगा था ये शीता अर मर्दम ये गप्पा कम था गलत तक हम जान तक तो कि ये अब मैं प्रोग्राम में तावा नबूत है जी डी ए प्रोग्राम में तबूत है भाई जी डी ए अमीन का बेहकलंत अमीन का भी ना समझे मर्दमन इसी प्लानर अमीन का मन तो खराब है गप्पे अमीन के इशाने इलम कमजोर है कि फेंसिंग के थ्रू कसना क्यों कहना हमारे पता मशरकी मगरबी कसना जर्मनी जोड़ करन थी ये फेंसिंग की जरूरत है स्मार्ट सिटी जोड़ करें मरोचे तमाम इलाकों तो कैमरा भेजा हर जगह ये कैमरा तो हर मर्दमा ट्रेस आउट करता करें हर दर करता करें बिराई सर नजर ये करता है मूवमेंट रन कैसे चारी तक करे अच्छा तो किसने नू करे नून मने को किसने भलाएं खर्चे करी ऊपर इस फेंसिंग का मंजूर करी स्मार्ट सिटी जोड़े भी अजीब है बहाना इशरा का कस्से मनी बलोचिस्तान नेशनल पार्टी ने मननी थी हिफाजत खातरा उतनी मर्दमान हिफाजत खातरा उतनी डन ने मखलूक आतने के हिफाजत खातर वक्ती तौर ये प्रोग्राम नहीं बल्कि ये प्रोग्राम लॉन्ग टर्म में प्रोग्राम में ये सिर्फ फौरन खत्म करने भी वरना इसी खिलाफ करना बलाएं एहतजाजी भी तो गुशगात है जर्मनी है तो मिसाल है जर्मनी वो दो किसने नजरियाता ने सर बकायदा सरद गीशी नक बुतेगा ना वो दोमी के तो गपाते ईरान इसरा एदा विद इन डिस्ट के तहा मर्दम डिवाइड होगा भले चदो मारावे दीमा के वदा एमएनए लसबेला ओ ग्वादर ओ साबिक स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली वजा असलम भूतानी साहब गुमा लाइन इसरा आई हजरे लाइन जी शर्मंदा ये वदा गुमा हमरादारी कने गए ग्वस्तगे स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली ओ अनुगे हेमेने ग्वादर लसबेला वजा असलम भूतानी साहब। असलम भूतानी साहब आपका एक बयान चंद दिन पहले हमारे सामने से गुजरा कि जिसमें आप कह रहे हैं कि अगर ग्वादर को या ग्वादर के इर्द गिर्द बाढ़ तामीर की गई तो इससे सरमाकारों पर बड़ा मनफी असर पड़ेगा और सरमाकार जो बैरूनी हैं वो ग्वादर नहीं आएंगे। जबकि मामला ये है कि बलोच जितने दानश्वर हैं कायदीन हैं सियासी कारकुन और लीडरान हैं उनका मानना यह है कि ग्वादर को सरमाकारी के लिए इसकी तज़ीन व आरइश नहीं की जा रही है बल्कि ये मुस्तकबिल का एक बहुत बड़ा फौजी नेवल बेस बनने जा रहा है। आप क्या कहिएगा? नहीं, मेरी हुकाम से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि ग्वादर के सिक्योरिटी के लिए हम फिलहाल बाड़ लगा रहे हैं लेकिन ये टेम्पररी अरेंजमेंट है और बाद में इस बाड़ को शायद डिसमेंटल करके फिर पहाड़ों की तरफ ले जाएंगे लेकिन वक्ती तौर पे जब तक वहाँ पे कोई प्रॉपर केबल सिस्टम हो जाए नेट का सिस्टम हो जाए ताकि कैमराज ऑपरेट करें उस वक्त तक ये बाड़ रहेगी। तो लेकिन उन्होंने मुझे बताया गया है सरकार की तरफ से कि ये टेम्पररी अरेंजमेंट है ये परमानेंट नहीं होगा और जो भी गांव और गोट नज़दीक हैं उन सबको एज रूटीन एक्सेस मिलता रहेगा। दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन कन्वेड बाय द अथॉरिटीज़। लेकिन बहरहाल मैंने ग्वादर की बाढ़ के हवाले से जो मकामी आबादी के तहफ़ुज़ात हैं वो सरकार के आला हुकाम तक कन्वे किए हैं जिसके जवाब में मुझे ये बताया गया है। जहाँ तक नेवल बेस की बात है मेरे ख़्याल में इसमें फ़िलहाल कोई हकीकत नहीं है, ये मफरूज़ों पर है। ये इकोनॉमिक हब बनने जा रहा है ग्वादर क्योंकि चाइनीज़ यहाँ पे कारोबार के लिए आए हैं तो यहाँ एक बिज़नेस का एनवायरनमेंट क्रिएट करने की प्लानिंग है कोई नेवल बेस या इस तरह के हवाले से। मेरे नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है। वजह जहाँ सिर्फ जमालदीनी साहब तो असलम भूतानी साहब गुजदार गा थे कि आगुशगा कि फेंसिंग माँ हुकूमत हुक्मा निगुमा अक्षुमन गप जाता वहाँ माना गुश्ता कि हारिजी महदूद वहदे वास्ता जनक भी वो पदम आशर दूर कने तो चे सरपद बे क्या बलूचारा तसल्ला दिया गने जब ये हैरानगी है अगर वाजा ये गप कुर्ता भूतानी साहब उली गप तो ये गप पारा मकुरते
ये इलाके एमएनए ये चीज नजर आ कि फेंसिंग शमुचांद कैसना खराब तरीन पहलू फेंसिंग यानी खदशात खतरा ग्वादर है जिंदे मखलूक आ रहा है या डन्ने मखलूक का खतरा है या डन्ने मखलूक है ग्वादर है मर्दुमा खतरा है त्याबा चे मखलूक का है मरोचे मेरी टाइम कैसना वो तो बरा तंजीमें जोड़ बूता हमें तंजीम वक्ते के ती त्याबा कंट्रोल करता ना कम तई इंगसेम बलायन कैसना फौज है एफ सी ए ओदा निश्ता आ ये टेमा ग्वादर आर सेफ करता ना कम ती कैमरा लेटेस्ट कैमरा ने थ्रू आता ग्वादर आ रहा है जोड़ करता ना करे बुरे ये की वक्त खुशी की वक्ती है एक चीज है बांधा मधुर करना नहीं मरोच मतलब वक्ती तो मन ग्वादर है तो मार्शल है जनी या ग्वादर मन कैसा फेडरल गवर्नमेंट है कंट्रोल है दूरी वो चीज है वक्ता पद मन इसे वापस कहीं ये चुनी पॉलिसीज तब मैं कैसना अकलमंद मर्दों फेडरली जोड़ करन थी या प्रोविंशली जोड़ करन थी मन तो घुशन ये एक बलायन कैसना पद साजिश है बलोच को हमारा बार करनागा बलोच को हमारा यक्यादगर दूर करनागा उसी से याद पिकना शीशी मसला अल्लाह नबी यक बलायन नफरत थे फेडरल गवर्नमेंट है एंड प्रोविंशियल पार्टीज आने दरमियान है एक किस्म बलायन एक किस्म नफरत थे जोड़ भी चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट है मर्दों बेशी आमीन चाहे अरका आमीन मांगशन ये सिर्फ फौरी तौर खत्म पे करन यक ये जजीरान मा कब्जा करने के दान बड़ी मायशी था किस्म बलायन डेवलपमेंट करन आ डेवलपमेंट है तो था माँ किस्म दन्ने अर्ची किस्म जो अंत मखलूक तो शान आबाद करन मन फेरी सिस्टम जोड़ करन फाइव स्टार होटल जोड़ करन भाई तो आ बिल्ली बलूचिस्तान इस्तान जजीरा ओ बलूचिस्तान इससे इसे तम तो पाकिस्तान इस्तान तो हमें लियादे सिर परचे तो तरक्की न दे तो पसनी कुछ हम तरक्की दा तक है तो और माडा कुछ हम तरक्की दा तक है बगैर नेवल बेसान होती जिंदे जरूरी आता है खातर फौजी जरूरी आता है इलावा तो कुछ तरक्की दा तक तो कुछ इनसे खूबसूरत थे कैसा त्याब है नियामत तो कुछ बिल्ड करता कुछ वो तो वाइल्ड लाइफ कुछ प्रोटेक्ट करता है 95,000 किसना एकड़ तौदात है किसना पारकोश अंगोला ये मुझ पॉलिसी अर्ची के मरुच बांध बोगे था ये इशरा माउशन इस्तेसाली एंड कॉलोनियल प्रोग्राम नोकेन किसना ये कॉलोनियल सिस्टम है बलोच बदक इनकों में सरा मुसलत करना के भी वो कनगे तान वो इशर कतान बलोच को बर्दाश्त ना कर जी जाजिब साहब तो जजीरा नाम गे सारी हम रिकॉर्डिंग का जुरां ग्वादर जिंदे मामला बुता आपे तो तरक्की नाम गे इधर एक एक बदगुमानी बलोच राज तहा बलोच राज दोजवान तो कास्ते के आक्षम बलोच के सियासी पार्टियां इवादा मैदान तहा बीएनपी मस्तरे डोमिनेशनल पार्टी आन एक बदगुमानी पैदा बुता के ए वती जारशानिया वती वड़ा दर्शान करना अखबारी बयान दिया टीवियां कहां गप जना या कसाने जलसा ही करना ये वती साबा चला गए सरकार के अर्ची कार बलूच खिलाफा बलूचिस्तान खिलाफा अहम जारिया यानी दारगे एक तौजील ने दरमियाना तो ची कुछ सर नहीं तो तौजील बिल्कुल आसान है मतलब एक चीज कुछ कि बलूचिस्तान है जोग्राफिया हिफाजत बलूचिस्तान है माल मड्डी हिफाजत बलोच कौम है यकजेती आवानी किसना यकयाद करा किसना यकजदारा आई त्याब हिफाजत आई जेर जमीन दौलत हिफाजत खातर तमाम सियासी जुमात चाहे आई तो बलोचिस्तान नेशनल पार्टी आई तक कैसा नेशनल पार्टी आई तो जमीत उलमा इस्लाम आई तक कैसना बी एन पी अवामी ए मुच इंशाल्लाह यकीन कैसना पेज सरबैनो ये तमाम इस्तेसालीन कैसना फिक्रारा अम्मा जईफ करन कमजोर करन गप पेशिन तरक्की तरक्की अगर आयरा कैसना ये टेमा मिना तरक्की यक किसना आरबर एक तने वक्त जोड़ करना का नबी कुछ आप पसनी है वहाँ तरक्की अखदम ना दे तो हमारे लिटरली पमन जोड़ पिके चीजें कि मिनी मखलूक बिगिन दी मिनी मचेरा मछली तयाबे मच्छी कुटता डन्ने ट्रालर का है डन्ने मुल्क ओ कराची ट्रालर का है मैं त्याबार मुकम्मल रुपता बुढ़ता ईशा खत्म कुटता ग्वादर है जिंदे किसना तरक्की है तपोती चम्मा बिगिन ये बार मन हर वक्त रहोगे तो ये बार मन शुतान सारे बाद जब मैं सीपे के बाकायदा ग्रुप पे सैनिटाइज शुतान अम्मा लिटरली एक तरक्की ना दिस ना अमा जागा स्टैंड स्टिल इन तले विवक्ष तर कम के इंटरप्ट करना आवती कारा कनगा तयाबा रूपगा सेंदे की रोपता रेकुडे का बांदा रोपा ग्वादर फेंसिंग कना इद्रुआई कारण कना गुड़ा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी भी या नेशनल पार्टी भी आ सिर्फ हमें बड़ा बयानबाजी कना वो कदी कदी जलसा ही कना हमें बड़ा सिलसिला बढ़ जा जी यलका अम्मा जमुरी मर्दुमा जमुरी मर्दुमे कारें कि जमुरी जदोजहद कना आई था अर्चिंग का फोरम
मतलब माँ गुश्तगान के शाह कलम की नोक से बिगिर ना तन आखिरी अद्दा मारोन आ हद चेवन ताय जलसा जुलूस सेमिनार सिंपोजियम रैली शटर डाउन पार्लियामेंट आज कृष्णा मुस्तफीद बो गो नेशनली इंटरनेशनली सोशल मीडिया एंड आज का मीडिया है तो उस तो आईशान गुशक लोटन फेडरल गवर्नमेंट आ की भाई तो अर्ची का लगे था तो बड़ो दुश्मनी का लगे था वो हमें जदोजहद है कदम मयार तरीके का रमेश जाहिर मैं कह रहा कृष्णा तूपक के नहीं वो जमहूरी मखलूक जदोजहद होती जमहूरी अंदाजा कर लेकिन ये आज का मर्द बहाने थ्रू अब मैं सरा कहते थे मावी बैग लोटन मैं कैसे मालूम मंडी बरग लोटन ये बदबख्ती है भी कि बलोच कौम पाद में है हमें मर्दों मरुच सरकार गोन हमें मर्दों सूबाई हुकूमत मरुच गोन बांधा ईशान जिंदे गिस बार बै कप्पे आधे में भी कप्पे आधे में भी अगर मरुच ये पाद न है अगर ये विषय की भाई ये मसले बलोचता नेशनल पार्टी है कि नेशनल पार्टी है कि मारा गुनीशी कृष्ण कार ने बिल्ली ओड बैग बिल्ली बीबी तो बदबख्ती गुड़े ये कौम है गेंग ये कौम क्या रहा मारा मैं पिस सुपीरू कान एक वतन है दा आ वतन अंचा शम्मा पेशा मर्दुमान शम्मा पुरते नून ये मजीद हमारा बार कनान हमारा टुकु टुकु रखना कसाने फायदा के दें हमारा शे तमाम किसने मालूम मडी अशे दूर रखना माँ आखिर किसने अंचुशान मोताज है ये हमारी चीजें लेकिन जदोजहद इंशाल्लाह जा रही है भी जदोजहद में जमहूरी है भी है जमहूरी जदोजहद हम देवा बरान कर उसी तरह हम सैनेट हम इस्तेमाल करता है नेशनल असेंबली है करता प्रोविंशियल असेंबली करता उन्हें पीडीएम हम दे जा के खिलाफ करा दाद हम पास बूता भी कहीं किए थे फेडरल ही किसने मतलब जमात डिप्टी कमिश्नर ग्वादर अब्दुल कबीर जरकुन साहब जैसे आपको पता है कि सोशल मीडिया में अखबारात में एक खबर गर्म है कि ग्वादर शहर को हुकूमत की जानिब से बाढ़ में किया जा रहा है एक बाढ़ तामीर की जा रही है तो हमारा आपसे ये पूछना था कि ये क्या जरूरत पेश आई है कि ग्वादर को बाढ़ में रखा जाए एक बाढ़ उसके गिर तामीर की जाए देखिए संगत रफीक साहब इसमें एक चीज की तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये आउट ऑफ फीवे ये चीज नहीं आई ये जब मास्टर प्लान हमारा ग्वादर सिटी का बना था गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने 17 साल बाद मास्टर प्लान इसका अप्रूव किया ये उसी मास्टर प्लान का ही हिस्सा है मास्टर प्लान का एक कॉम्पोनेंट है जिसमें आपका स्मार्ट सिटी बनना था तो उसके अंदर ही ये प्रोविजन थी कि इस एरिया को हम चूंकि ये एक स्पेशल एरिया है इसमें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बूस्ट करने के लिए हम इसको एक सिक्योर एक एनवायरनमेंट देंगे तो ये उसका हिस्सा था इसकी गवर्निंग बॉडी ने इसको अप्रूव किया था जिसमें यहाँ के गवर्निंग बॉडी की बड़ी लंबी डिटेल है और वो आपके पास होंगे भी कंसर्नड MNA कंसर्नड MPA वो बैठे थे उसका हिस्सा थे हाँ जरकुन साहब एक तो ये कि एक मास्टर प्लान जो ग्वादर के लिए वो अक्सर बलूच जो दानिश्वर हैं या बलूच रहनुमा इधर मुख्तलिफ पार्टियों के लीडर हैं जो चंद एक पार्लियामेंट में हैं कौमी असम्बली में सेनेटर में उनका ये एक शिकायत रही है कि जो ग्वादर मास्टर प्लान है उसको आम आदमियों के लिए इवन जो पार्टी लीडरान हैं पार्लियामेंटेरियन के लिए भी ओपन नहीं किया गया उनको मालूम नहीं कि ग्वादर मास्टर प्लान में क्या है जैसे आप ये बात अभी कह रहे हैं तो इस पस मंजर में उनको तो ये मालूम नहीं था लोगों को कभी ग्वादर को एक बाढ़ में रखेंगे देखिए ये फैसला जो है ये गवर्निंग बॉडी ने किया था GDA की गवर्निंग बॉडी ने किया था ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी उस गवर्निंग बॉडी के जो मेंबर्स है उनमें कंसर्न्ड या इस इलाके के MNA भी शामिल है इस इलाके के MPA भी शामिल है उस गवर्निंग बॉडी को हेड चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान करते हैं तो ये ऐसी डकी छुपी बात मास्टर प्लान का हिस्सा था और ठीक है इसमें एग्जीक्यूशन अभी स्टार्ट हुई है जिससे आम आवाम को जाहिर सी बात है अभी पता चला होगा बट ये ऑलरेडी प्लान का हिस्सा था
जरकुन साहब, ये तो मान लेते हैं कि चलो मास्टर प्लान का हिस्सा था, लेकिन दुनिया में ऐसी मिसालें हैं कि विद इन एक सूबे के अंदर या मुमलिकत के अंदर शहरों को बाढ़ में रखा जाए या बाढ़ में डाला जाए, ये दुनिया में कहीं ऐसी कोई मिसाल है या है, या ये इंसानी हकूक की फिर पामाली में तो शुमार नहीं होती? देखिए, ऐसा है कि ये इस रीजन में जो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है उससे आप बखूबी वाकिफ हैं। मुझे एज अ डिप्टी कमिश्नर यहाँ सिक्योरिटी के काफ़ी इश्यूज, मैं डेली इनको फेस करता हूँ। तो जो बाहर से आने वाले इन्वेस्टर है उनको भी ये सिक्योरिटी खदशे की वजह से वो इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से आपके इलाके में लाते नहीं है, उनके खदशात होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फराहम करना होता है और ये उसी कड़ी का हिस्सा है, ये पहला स्टेप है। जी जकुन साहब, एक सवाल को आपके ले जाते हैं। असलम भूतानी साहब जो एमएनए हैं इस रीजन के जहां से आप डीसी हैं, तो उन्होंने कहा था कि ये तो गलत तासुर जाएगा सरमाकारों को दुनिया में कि अगर उनको बताया जाए, उनको मालूम पड़े कि वो एक ऐसे शहर में सरमाकारी करने जा रहे हैं कि वहां इतने खतरात हैं कि शहर को ही बाढ़ में रखा जा रहा है, तो ये तो गलत और मनफी तासुर होगा। देखिए, उनका पॉलिटिकल एक व्यू है, वो इलाके के हमारे एमएनए है, उनका एक पॉलिटिकल व्यू है। बट जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ वो ये है कि जब भी आप बाहर से किसी इन्वेस्टर को अप्रोच करते हैं तो वो सबसे पहली चीज़ जो आपसे मांगता है वो सेफ्टी मांगता है, वो अपनी लाइफ और अपनी इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी मांगता है। अज़रकुन साहब, अगर हम खतरे की बात, बैरूनी जितने खतरात हैं, तो अगर हम जो खुदकुश हमले थे या इनसिक्योरिटी की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा कराची और इस्लामाबाद मुतासिर रहे हैं मुख्तलिफ अदवार में, तो इस सिलसिले में तो फिर उन शहरों को भी बाढ़ में रखना चाहिए। देखिए, वहां एक सिक्योरिटी का ऑलरेडी एक मैकेनिज्म था, यहाँ भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सिक्योरिटी का मैकेनिज्म बहुत अच्छा हुआ है। आपने देखा होगा जो स्पेशल सिक्योरिटी डिवीज़न है वो यहाँ बना, उसके क़याम के बाद यहाँ फोर्सेस की जो क्वांटिटी थी वो कुछ ज़्यादा हो गई। तो अब होगा ये, इस फेंस का बेसिकली हमें मकसद पता होना चाहिए, ये फेंस लंग क्यों रही है और इससे हमें आगे क्या क्या इम्प्लिकेशंस आनी है हमारे ऊपर। ठीक है, लोगों की रिजर्वेशंस है, उन रिजर्वेशंस को हम एड्रेस कर रहे हैं और इसमें हमने कुछ स्टेप्स भी लिए हैं, वो मैं आपसे बाद में शेयर करता हूँ कि क्या हमने स्टेप्स लिए हैं। अब होता ये है, जब ऑलरेडी चेक पोस्ट्स और प्रेजेंस है रोडों के ऊपर, तो जब ये फेंस बनेगी तो वो अंदर वाली जो प्रेजेंस है वो ऑटोमेटिकली कम और ख़त्म हो जाएगी। तो आप तो ऑलरेडी एक सिक्योरिटी इन्वायरमेंट से, एक सिक्योरिटी चेकिंग से, एक चेक पोस्ट से आप ऑलरेडी गुजर रहे हो। हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उसको बजाय इसके कि हम उसको कम करके एक रोड के ऊपर ला रहे हैं, और ये जो एक तासुर दिया जा रहा है कि इससे जो कम्यूटिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। अभी अगर गवादर के चार रास्ते ओपन है तो इस फेंस में 12 रास्ते ऑलरेडी प्लान है। ये मैं अपने इलाके के लोगों को भी बताता हूँ कि अभी 12 रास्ते, कोई रोड इस फेंस से, किसी रोड को बंद नहीं किया जाएगा, ये प्लान का हिस्सा है और ऐसा ही होगा ऑन ग्राउंड। हाँ, जो ओपन स्पेसेस है वो ओपन स्पेसेस बंद किए जाएंगे, रोड में जो कम्यूटिंग हो रही है उसको स्टॉप नहीं किया जाएगा। जरकुन साहब, आप कह रहे हैं कि वो जो चेक पोस्टें हैं या अंदरून शहर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उससे लोगों की जान छूटेगी, लेकिन इधर मामला थोड़ा साइकोलॉजिकल है, क्योंकि बतौर कौम ग्वादर चूंकि आप अभी आए हैं, लेकिन जब से सीपेक का मामला शुरू हुआ तो ग्वादर के लिए प्रोपेगेंडा किया, बल्कि नवाज शरीफ की दूसरी पहली बल्कि दो हुकूमत में 1992 में जब ग्वादर को एक मेगा सिटी बनाने या इंटरनेशनल पोर्ट बनाने की जो बातें की जा रही थी, तो उस वक्त जो बलूच कॉम्प्रेस थे या बलूच जो लोग हैं बलूचिस्तान में, उनका ये तासुर था कि ग्वादर को वो बलूचिस्तान से अलायदा रखेंगे, उनको मतलब कुछ मामला ऐसे भी आए कि वो एक बेस बनाने जा रहे हैं। फिर सीपेक का मामला आया तो कहा गया कि उसको चीन के हवाले कर देंगे। इस पस मंजर में खदशात हैं बाढ़ वाले को जब हम देखते हैं तो लोगों के जो खदशात हैं वो फिर एक हद तक सही साबित हो रहे हैं कि यार देखो, हमने 20 साल पहले ये कहा था कि ग्वादर को वफाक अपने अंडर में लेगा, ग्वादर को ग्वादर के लोग बलूचिस्तान के लोगों से अलायदा रखा जाएगा, वहाँ पासपोर्ट लेके आपको जाना पड़ेगा। तो ये इस तासुर को इस बाढ़ लगाने में तकवीत मिल रही है। देखिए जी, ये तो ऐसा है कि
अभी तो है फर्स्ट फेज, इसमें सेकंड फेज भी आना है, इसमें तमाम इलाकों को अंदर इसके लाया जाएगा। शुरू में तो हमारी जितनी करंट पोजीशन है उसको हमने फोकस किया हुआ है कि उसको हम इस फेंस का हिस्सा बनाएं, इसके बाद इसका फेज टू भी है। उस हिसाब की इन्वेस्टमेंट नहीं दे सकते जो होनी चाहिए, मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए बाहर से, ये चीज़ हम सब रियलाइज करते हैं। तो जब बाहर से आप लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए लाते हैं तो उनकी कुछ शरायत होती है। जिस तरह मैंने पहले कहा, सबसे पहली बात जो है वो आप सेफ्टी ऑफ लाइफ एंड सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो आपको इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो चाहता है। तो जब वो चीज़ें उसको आप फराम करेंगे उसके बाद ही ये एक प्लेटफॉर्म आता है, फिर ही एरिया डेवलप होगा। अच्छा, फिर एरिया डेवलप होने के बाद इससे फ़ायदा किसको होगा? इससे फ़ायदा हमारे ही लोगों को होगा। देखिए, जो फिशरमैन है वो अभी भी फिशिंग करता है, 5 साल बाद भी फिशिंग करेगा। मेरे और आपका मकसद क्या है, जरकुल साहब, आपने शुरू में कहा कि ये मास्टर प्लान का हिस्सा था, अभी का कोई मामला नहीं है, तो इससे हम ये बात अक्स कर सकते हैं कि मास्टर प्लान में कुछ ऐसी बातें हैं जिनका अभी तक लोगों को जो पता नहीं है, आगे चलकर और लोगों के लिए शॉकिंग होंगे। जैसे अगर लोग कहते हैं कि आगे चल के ये बताना पड़ेगा किसी करीबी शहर वाले को कि उसके पास कौन सा पासपोर्ट है, या पासपोर्ट दिखा के उसे ग्वादर में एंट्री मिलेगी, तो इस तरह के भी आगे चलकर मास्टर प्लान में ऐसी बातें निकल आएंगी सर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ये सारी खदशात ही है। मास्टर प्लान डॉक्यूमेंटेड है और अवेलेबल है, और उसके अंदर देखिए, हम जिस माशरे का हिस्सा है ना, हमें ये खदशात जो है ना हमारे नॉर्मल लोगों में होते हैं, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन की एक्सेस नहीं होती। ये मेरा और आपका काम है इस प्रोग्राम के तवसुत से कि हम लोगों को असल पिक्चर उनके सामने रखे। कोई ऐसा पाकिस्तान में ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे आपको जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। कोई ऐसा, हाँ, एडेड चेक्स है सिक्योरिटी के, क्वेटा में आप देख ले, कराची में, कैंटोनमेंट में, कहीं पे भी आप कैंटोनमेंट में जाते हैं। बट यहाँ पे आप ये चीज़ भी ज़रा देखें, जो इसका कंटोनमेंट एरिया है, इसका जो नया एयरपोर्ट है, वो फेंस से बाहर है। तो ये जो खदशात है कि ये एक फौजी एक किला बन जाएगा, वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि कंटोनमेंट इस फेंस से बाहर है। यहाँ अंदर सिर्फ हमारी पॉपुलेशन ही है, हमारे कुछ बिजनेस एक्टिविटीज ही है, वो ही सिर्फ रहेगी, और ये पहला स्टेप है इसको बेहतर बनाने के। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कबीर जरकुन साहब। जासिम साहब, हम चुके तो इसको नगाते डीसी अब्दुल कबीर जरकुन साहब मुझे गए कि मैं अनुगी शुरू करते गए कार्य नहीं, बल्कि मास्टर प्लान था, ग्वादर सिटी मास्टर प्लान था बुता, और ग्वादर सिटी मास्टर प्लान नोकतरे के बुतगा 2015 आठ नेशनल पार्टी है शायद गवर्नमेंट बुता, और पदा 2017 वजीर आला वाजा सनाउल्ला जहरी साहब बुता, भले दो दौरा शुमा बी एन पी मेंगल उदा पोजिशन है बुतगे कांग्रेस पार्टी हुकूमत है बुतगा शुमे देमा एक वस्ता के मास्टर जूलॉजिकल गार्डन जोड़ कनक मरोची आया यार, तो अंदाजा पिक एक चीज है कि यक प्लानिंग तजोड़ कने वक्त के इस्लामाबाद जोड़बू नू नंबर दे माजूफाना वक्त जोड़बू क्या इस्लामाबाद है कैसे पिंडिया फेंसिंग इसको अलग अताज के बाद इस्लामाबाद हम सेफ कने कि इस्लामाबाद ज्यादा खूबसूरत इशारे या इलीट क्लास आबाद है या इधर किस मखलूक इधर आबाद है कि आ कैसे ज्यादा वल्नरेबल हमले बूत कर तकलीफ बूत कर चुशी गप्पे ने मरोची कहना इंडस्ट्री नूरियाबाद फेंसिंग नहीं मरोची इंडस्ट्री कहना अब फेंसिंग नहीं मरोची कहना फैसलाबाद फेंसिंग नहीं वो फेंसिंग के खातिर फकत ग्वादर है या को तो कुछ फेडरल गवर्नमेंट है कंट्रोल है देने दो महीने में ग्वादर है तैयार तबाह करता कर वो सही महीने में फेंसिंग कंट्रोल कंट्रोल करना ने उसी दस्ता करना ने वो पता यार जी ने ये कहना मास्टर प्लान है पता ये चुने मास्टर प्लान है कि मास्टर प्लान अम्मा ना गिंदन अम्मा कैसे खुद भी ने तो पट्टा नहीं चढ़ना के अंदर उन्होंने एकदम कैसे मास्टर प्लान है तहत ये कैसे डीसी साहब खुशी हम गलत तो खुशी दिगरे खुशी हम गलत तो खुशी वो दो ही गप्पे से अर्फ आखिर ने कुरान सहीफा नहीं थे कि अगर एक जागे लिखो कि आ बलोच कौम और बार कहना कहता है आई था मैं इंतजामिया और खसूसन कैसे फेडरल गवर्नमेंट आई था कैसे अमल पिकन की आई था नफरत कैसे रुदम बुजुर्ग
मोहब्बत है बजाय वो ये मजीद कसम मखलूक को मकन आलरेडी ग्वादर मखलूक शमे ग्वादर सीपे के तरक्की है जो बेजार है नून ये नोकिन चीजें मखलूक मजीद बेजार कन आज फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट है शे अमला ची दूर भी جازیب صاحب نیشنل پارٹی ایک نقطہ اخبار دیمات کا کہ شما اشتما ہوریا ہی فینسنگ کے خلاف کار کرنے شما پلاننگ چیا نیشنل پارٹی کے گھوما یا جگہ ہے یہ سٹرگل ہے منتر پیش کو نیشنل پارٹی وہ ہمیں باقاعدہ ایک فکر و فلسفہ ہے بنیاد دیما رہو گے تان کہ بلوچستان ہے ہر چی استحصالی پروجیکٹ ہر استحصالی پروجیکٹ چاہے فینسنگ بھی چاہے تھیاب لوٹمار بھی چاہے ریکارڈنگ کا مسئلہ بھی چاہے زیر زمین دولت بھی یا مروچی کلا تھا جی گیس درکبتا یا مری بکٹی ایریا گیس درکبتا شاہی من مستفید نہ بھائی منی مردوں مستفید نہ بھائی اہل بلوچستان نہ رسی اما آئی دے میں رکاوٹ بھائی رکاوٹ بوا کے خاطر ہم بگو ماں یقین رائے آ رکاوٹ بو گئے میں رائے سے یقے تو جمہوری جدوجہد کے منگو تو گشت دومی پارلیمنٹ سیمی کسنا مکمل طورا کسنا اما اسی دیما رکاوٹ پیدا کرنا ظاہر ہے میرا کہا تو بلوچ قوم کسنا شروع ہوا ہفتہ دو سال آچے کسنا اکثر ماں لاش پیش کرتا گن اکثر میں مردم کسنا مست شدہ لاش آنے لاؤ مارا دیگے چیز نہ رسنا تو چیزیں دیگا کسنا بلوچ قوم ختم کرتا نہ کہنا کہ اس نے پانچ چھ ہزار مردوں دیکھا کشن لیکن منی بھوشن کہ بلوچ کا ان اشرف برداشت نہ کہاں وہ بلوچ ہے کہ اس نے زیست سوال ہے بلکہ اما آپ آپ فینسنگ کے مخالف ہیں کہ ایران آ بھائی بلوچ آ دو جگہ بار کرتا نہیں میں ادھر ناکو زاکو دے مدم ادھر مسجد آدھے میں لوگ مولوی صاحب ادھے میں شدہ رہو آدھے میں کیسا نماز ادم فدکت بختیں کسنا یا کسنا فکر و فلسفہ منی کسنا من پیش گو منی ضروریات زندگی یعنی انرجی یعنی دار افغانستان ہے تے من پاکستان ہے تو موتی دارا شتا کہ چتنا کہیں زمین منی گی تو یہ انچن مطلب ناچاکین کسی خلافہ کسنا بلوچ کو متحدین او کتن اشرا کسنا برداشتا نہ کجی دیکھے سر ادا ماں زبرویں وجہ نور محسن صاحب رپورٹر ڈیجیٹل آزادی گوادر ہائی الائنس رزوری شرمندہ یہ ودا گوما ہمراہ داری کنے گائیں چا گوادرا آزادی ڈیجیٹل رپورٹر وجہ نور محسن صاحب ترا وشد کنے وتی مراگش ساچیں کہ تو مارا بگوش کے وت گوادر مردم چے گوشگا ہے باب تک کہ گوادرا ر پرچہ پالو پسیلے تہا کنے بو گائیں جی یہ باب تا ہانی رد مل ایشن کے آہانی گوشگین کہ میں منتخب نمائندہ کے استا ایم این اے اور ایم پی اے اور ہمی پیما چا گوادر منتخب بیتے ہیں سینیٹر آپ باید ہمیشہ کہ گوادر عوام ترجمانیہ بھی کنا اور اے آوازہ گوادر مخلوق آوازہ متعلقہ حکومت وفاقی اور صوبائی حکومت سر بھی کنا کہ چریشے چے ماں ناخوش ہیں اور ماں آہانی کوشش ہمیشہ کہ دنیا توکا نہ صرف دنیا توکا بلکہ پاکستان توکا ہچ چوشے شہر نیستے آئیے مثال ماں نگن دیں کہ آؤ باڑ لگتا اور چھ باڑا ترقی بیتا مثال گپا پوٹا نہیں حوالہ گپا جنگایا کہ کراچی دو پورٹ ہستے مطلب کوٹ کراچی پورٹ ٹرسٹ حوالہ اور قاسم پورٹ حوالہ لیکن آؤ دا ہچ وڑے باڑ جنک نہ بیتا نہ صرف باڑ جنک بیتا بلکہ ہنچو کہ مخلوق آزادہ نہ بنیادہ آئیے نقل و حرکت ہستے اور رواں قائم اتھی کار اتھی معاملات باقاعدہ اڑیا حل کرتے ہیں اور آہنی یہ ہم کوشش گئے کہ نہ صرف ادا بلکہ دنیا توکا ہے چوشے ملک نے کہ آہاں آبادی پبلک آبادی باڑے توکا کتا ترکی نامہ باڑے توکا کتا سیکورٹی نامہ آہانی کوشش ہمیشہ کہ وہ دے سیکورٹی خدشات تحفظات کے ہستہ حکومت تو آئی واسطہ دیکھے ہم طریقہ کار ہستہ کہ آ مخلوق گوما ہما مخلوق نہیں گوما وہ رابطہ بکم ٹیبل ٹاک بکم نہ کہ مخلوق کا قید خانہ ہے توکا بکم تے یہ حوالہ مخلوق ابہام ہستہ اور آہانی رد عمل ہستہ اور ہمیں حوالہ آہانا ذکر اچا سینیٹر کے ہستے ہیں چگوادرا متعلق سینیٹر کود بابر گوما آہانی باقاعدہ پی ڈی اے میں یک ملاقاتیں ہوں بیتگا اور یہ سلسلہ آہوں تھی تحفظات گو کود بابرا شیئر کو تکتا اور آہاں پیغام داتا گا کہ آہو تھی تحفظاتا گوادر مرد میں تحفظاتا وفاقی اور صوبائی حکومت آرہ سر بکرتے ہیں جی نور محسن صاحب ماں یہ زانہ گلوٹیں کہ گوادر وط محلوک چھے کنے گا یا کیوں پورے بلوستانہ اسے سرا زرشانی بو گئے پارٹیانی پالیسی بیان ہوا تکا گا بلے گوادر جہندے محلوک چھے زرشانی کنے گا چھے ریاکشن دیا گئے آیا ہا پری گپا واشنگ کے گوادر چا باقی شاہراہ یا باقی بلوچستانہ چے جتا بھی وہ پالے تہا بھی آگا نہ انگڑا اچے زرشانی گنگا آہانی ریئیکشن چی جی گوادر باڑ متعلقہ ابہام ہستاں اور گوستگیں روچاں پی ڈی ایم میں ہر چی کے دا مقامی نمائندہ ہستاں آہانی باقاعدہ احتجاج بھی تگا اور احتجاج یا آہاں گواد پریس کلبا باقاعدہ یک پریس کانفرنس سے کتگا اسی مخالفتہ
आहानी खुशी हमेशा आहानी खदशा तो अंदेशा हमेशा के वादी का ग्वादर बाढ़ भी मैं वास्ता मुश्किलात ज्यादा पाँ मारा ग्वादरा चे रवा को दरायाक और मैं कशुके रे ज्यादा वारे सस्ता आहन वास्ता मुश्किलात पैदा पाँ मैं केरे आएगा और मारा आहन केरे रोगा वो हमें पेमा आहानी ये हम एबहम अस्ता वादे के ग्वादर मुकम्मल बाढ़ तू का भी बाढ़ सूरता मैं कारबार सरा चूँकि मैं रिश्ता यू का माहिगीरी नहीं बल्कि माहिगीरी अमरा अमरा या ग्वादर बाजे तक पाना था महलू के अस्ता क्या जमींदारी करा और नजीक का नेवर इलाका कस्ते आनी रवा तालुकात अस्ता आवश्यक किसी तरह मनफी असरात कफनते और परी खतरे मखलूक तनी बाजे एवाहम अस्ता और ईशा कस्ते नाखुशी इजहारा कर गए इशा तो जा नूर मोहसिन साहब घुमा लाइंस रहा जाजिब साहब फेंसिंग मामलाए शुमा और नेशनल पार्टी हवार इशिया पीडीएम प्लेटफॉर्म चेयर द इस कार्मर्स कुद कुद कने उसमें चेयर द सद्दके के पीडीएम में अर्ची के और इन पार्टियां शुमारा ग्वादरे फेंसिंग के मामला सपोर्ट करना वजह मेरे ख्याल से तीन नोटिस है तो अस्ते के अम्मा ये और लाहौर जलसे था बाकायदा करारदाद है था ग्वादर फेंसिंग आना पीडीएम एज ए होल कंडम करता हूँ नापसंद है अमल करार दाता दोमी का पेशिंग की अम्मा पीडीएम है किसना प्लेटफार्म फकत बलूच खातर इस्तेमाल न करन ये पाकिस्तान है मसले हैं ग्वादर एटीएम सेंटर जोड़ बो गए थे सीपे के अगर ग्वादर है तो फेंसिंग भी ब्रासान जब ब्रासान दूर करन एक जमींदार है किसना कब पेदे में कब पे आधे में मंत्र पेश गुश्तन के अजीब एक सिचुएशन है कि नेम आधे में नेम एदे में वक्ते की इशानी आरो से या वशी या गमे भी तो इजाजत गिरक लोटी की वजह मैं मर्दों में बेराम बू तो मना आधे में रहोगी मना इजाजत भी दे आदे में वक्त की कहते मैं किरा सीरे वो कहते मना इजाजत भी दे मैं ये सीरा उसी मखलूक की रब रहे ये मखलूक बार कन गए एक बलाए तदबीर ये एक नाकाम भी कामयाब होना भी दोमी ईरान है तो मरुच सेल पे कह कि अम्मे मैं ईरान जानी शर्री है मन अफगानिस्तान जानी कि मैं उसी की अम्मे जराए नेम एदे में नेम आदे में यकीन मुल्क दो जगह बारिश करता अमा यकीन मर्दुम एदे माम काश्तकंद आदे माम काश्तकंद ऐरान नहीं कि मन ग्रीन ब्याई चो अर रो चाय रखना खाड़े पेश दारे लोटी इनको आतने के खातर वापस ईरान इधर एक से गिरक लोटी मैं मुताबिक मैं कहना खसूसन फ्यूल है इधर आया अफगानिस्तान अफगानिस्तान ना वहां बॉर्डर था वो था किसना रवा के खातिर मारा दायरे गैस होने जाता है गैस था वो पंजाब कश्मीर था पूरा पूरा पाकिस्तान है जाता किस नून अम्मा उसें कि वक्त तुम्हारा इस चीन है जाता मखलूक में दारे चिन तूती किसना जरूरत तम पूरा कर नू दार अफगानिस्तान है था मैं जिंदे बलूचिस्तान अफगानिस्तान ओ दा कसे रोग लोटी ओ दा तायर यलन दे आयर बंद करे फसाने चारे के चारे ना के खातिर वो दा रो तो सतरा इजाजत नहीं तो सुबह शाम किसने बेशम इजाजत भी गिर मारा किसना इसी खिलाफ अर रियाजा अर वड़ा रोगी पीडीएमओ गुमा हम गाम देखा पार्टी जो गुमा हम गाम है ये बलाएं जाती है भी तो अंदाजा भी मिना को ईराना तजारत था कि मैं कहना कहता हूँ कि मिना इधर नहीं मिला कारखाना इधर था कि नहीं मेरी बुनियादी जरूरत पूरे इसको था मिना मिना इंफ्रास्ट्रक्चर उसने गैस ने बिजली मेरी जिंदे गैस ना मिला देगा ना बिजली भी नहीं करा तेज 2300 मेगावाट बिजली पैदा भी मनशर महरूम ईरान से बिजली पर मन मजबूर हूँ 70 मेगावाट से ईरान है जब तक पूरा मकराने था लोड शेडिंग ईरानी घुसन के यार बास जाने बिजली है बिजली पाकिस्तान है तक इंटर भी वो था लोड शेडिंग भी अम्मे दो लोड शेडिंग ये नामो निशान ने अभी मुताबिक अफगान तो अंदाजन का वाघा बॉर्डर है वाघा बॉर्डर तिजारत रवगातना गिंद रेलवे मुझ कार अफगानिस्तान ये मकरान बॉर्डर टोटल इधर बाहर किसना तजारती मराकज जोड़ बूते मखलूक की जरूरत पूरे पूरते उधर मिनी तमाम जरूरियात चचागिया बिगरे तन जीवनिया आवान ईरान पूरा कर अगर मेरा ये मुल्क चीज देगा ना मन शिशी गिलेदार ना मन गिलेदार हूँ कि भाई कारखाने अब दे स्मॉल इंडस्ट्रीज अब दे कॉटेज इंडस्ट्रीज अब दे दिग्गज जरूरत है पूरब का ये एफ सी ए चेक पोस्ट ऑन कम का मखलूकर बिल की उठी किसने रोजगार हमें ख्वारी दरपदरी को पीछे नहीं कुजाम मर्द वशी की ये दर्ज ये शप रोज तकलीफ आंता जंगल आंता मुच आंता कहता सफर कनान ब्रो वो इंक तेल विवाह वो पढ़ाई के 1000 or 1.5 हज़ार रुपये पिकटी जान एम खतरे है ये मजबूरी है तब मजबूरी है मैं नजर ये सरकार नजर ये बलाएं मर्द में तगिंदे ये बलाएं ट्राई ये जरूरत इस्लामाबाद है निंदो
कान फैसला करने के खातिर अंत बार रो बनते ईशान दिमाग नहीं फर्स्ट फ्लोर यानी दिमाग ईशान था मजने में पिस्ते साहब ये ईशान था चूंकि माँ पुग पुग अभी चारा भूसा ईशान दिमाग था फुगंत भूसांत ये चुशेन डिसीजन है दाता न करना इस्लामाबाद है महल लेता निंदो के मर्दों बलूचिस्तान फैसला कुर्ता न कर बलूचिस्तान फैसला अवाम अमीदा कुर्ता कर बाय अक तो ऐसा कि मैं मौजूदा प्रोविंशियल गवर्नमेंट आयरा अकरे बूते ना आप आए थे इसी जरा मत दरामद पकड़ते क्या कहना गया नहीं इतने उखता ये मजबूरी है मैं जहां तक कैसा मैं मालूम मड्डी हिफाजत है खातिर तमाम सियासी जमात यकजागान जमहूरी जदोजहद मुताबिक आम मायशर रजिस्टर करन हमारा दिग्गज जन कुछ पेश करेगी ने फकत बलोचिस्तान अहले बलोचिस्तान है गे इसी मालूम मड्डी अम्मे मखलूक है गे अम्मे वंडो आने गे अम्मे जागु ब्रासा ने गे इसी वाजा दन्ने नान दन्ने अम्मा तनेदा या करादा दे पास करना है बल्कि यक किस नायरा यूनानी मसली पास कुर्तन बिल्ले कि भाई ग्वादर है था कम अज कम अम्मा तनेदा शुदन के ओदा कसेर ओट एक मबी कसेर शनाख्ती कार्ड है मबी आप बजाय शनाख्ती कार्ड आयरा तो हम वो पास तो आयर न मनना बल्टा बस ग्वादर मुकम्मल चिड़ियाघर जोड़ कुर्तगन कि ग्वादर चिड़ियाघर भी तहता चूंकि अम्मा किसना मखलूक अम्मे ग्वादर मखलूक चूंकि चिड़ियाघर है किसना ऐवानात ये ऐवानात दूर अभियान धन्य मर्दों पिछारन थी ये जुल्म ज्यादती है भाई शेषी गवर्नमेंट इश्तराम पे कर इसी नफरत ज्यादा बहन दूरी ज्यादा बहन बलूचिस्तान खसूस ग्वादर मचेरा या दिगा बुनियादी मखलूक पेशा शी मसला बेजार मजीद बेजार है और अम्मा ये जम खुशी कि मरोच गवर्नमेंट है शामिल है मर्दों चाहे मकुरान तालुकदार या बलूचिस्तान दिगे इलाके आप आए गुमा हम कदम हम गांव भी बहें ताकि अम्मा ये फेंसिंग है मसला ये जुल्म ज्यादती है अम्मा शवत दूर पे कर और खास कर जजीरानी कब्जार फौरी तौर हुकूमत खत्म पे कर तीसरे कतन अम्मा तस्लीम न कर ये चीज है वजह मिन्नतवारी वजह जाजिब जमालदीनी साहब बीएनपी सेक्रेटरी जनरल मराकेश साचिंग का मर्सी का पुत्राना आते हैं ग्वादर चप्पू चागिरदा पल्लो पसील कने गे मामला इसरा इबन का पिसरा माज उर्तगा डीसी ग्वादर वजह अब्दुल कबीर जरकुन साहब हेमेने वो साबिक स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली वजह असलम भूतानी साहब वो चा ग्वादर आजादी डिजिटल न्यूज रिपोर्टर वाजा नूर मोहसिन साहब और गुड़सरा में शिमा का पाते वाजा जहाजेब जमालदीन ये गुमा कि माँ ग्वादर परचा चे मकसदान तहता फेंसिंग कनक बो गए वो इशिया बलूच सियासी पार्टी चे वड़ा चारा वो बलूच महलू के खदशा और तुर्स चिया ये फेंसिंग बाबता ओ पदम आचारित के ग्वादर जेंदे महलूकानी हयाल उलेका छिया के नूर मुस्तन हमारा हाल था हमें दाकंगू वती कस्तर संगत रफीक इजाजत भी दिए माश में फीडबैक के वदारी गे मिन्नतवार आजादी डिजिटल न्यूज आजादी साची का सब्सक्राइब कमेंट ओ लाइक ओ शेयर बिकने ओशिया बेद वती कमेंट जरूर मारा भी दिए वती फीडबैक का के मरागिश मचे वड़ा बेहतर कुत कने वो चरी शंशी शुमारा छे सर पदी रह सकें।